बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 अगस्त 2021 करगिल और लेह पूरी लद्दाख की तारीख में एक तारीखी और एक सुनहरा दिन है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी लेह की जॉइंट मीटिंग, सेकंड जॉइंट मीटिंग हुई और इस जॉइंट मीटिंग में जो मेन इश्यूज थे काफ़ी बहुत ही तफसील के साथ थर्ड बेयर डिलिब्रेशंस हुआ और अल्टीमेटली 4 पॉइंट्स पे कंसेंसस होकर आए और थिप्स्टन साहब ने अभी आप लोगों के सामने रखे। इन 4 पॉइंट्स में सबसे पहला 2019 5 अगस्त के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल ले आई और स्टेट 2 UT में तकसीम हुआ, उस तकसीम के बाद जिस हालात से लद्दाख को गुजरना पड़ा और लद्दाखियों को जिन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लद्दाख के आवाम ने यह महसूस किया कि लद्दाख का मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को स्टेटहुड देने में है, फुल फ्लेज स्टेटहुड देने में है। और इसीलिए एपेक्स बॉडी और KDA की तरफ से जो आज मीटिंग हुई उसमें ये कंसेंसस हुआ कि पूरी लद्दाख की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, होम मिनिस्ट्री के सामने जो डिमांड रखी जाएगी वो स्टेट हुड फॉर लद्दाख है। साथ ही साथ दूसरी डिमांड आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं जिनके रिक्रूटमेंट का इशू बहुत ही बर्निंग इशू है और जिसे UT एडमिनिस्ट्रेशन आए दिन टालता जा रहा है और ये ब्लेम लगा रहा है कि अपेक्स बॉडी की वजह से या इनकी तरफ से सजेशंस ना आने की वजह से हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सके, जबकि सारी लैप्स उनकी तरफ से थी। अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते ही हुए कि इन्होंने रिक्रूटमेंट्स के लिए रूल्स बनाए और उस रूल में जो मेन क्लॉज रखा है वो रेजिडेंट ऑफ लद्दाख का है। लद्दाखियों को कोई भी डोमिसाइल जो भी लाल लाया जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने डोमिसाइल ला लिया है, हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं लद्दाखियों की जो रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट है जो पहले से था उसी पैटर्न पर, और जिस तरीके से आर्मी पैरामिलिट्री पुलिस में आज रिक्रूटमेंट हो रहा है जिन 4 सर्टिफिकेट्स को लेकर, उसी पैटर्न पे ही 1 महीने के अंदर पूरी लद्दाख के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं उन सारी रिक्रूटमेंट, चाहे वो 10,000 पोस्ट हों या 12,000 पोस्ट हों, इमिजिएटली फिलअप किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो ये जॉइंट जो हमारी कमेटी है लेह के अपेक्स बॉडी और करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हर महाज पे खड़ी होगी और जब तक रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है जो कुछ भी हमें करना पड़े हम करेंगे, ताकि हमारी जो अनएम्प्लॉयड एजुकेट हैं इनको बराबर रोजगार के मौके मिले। तीसरी जो बात है, आप जानते हैं स्टेटहुड के बाद भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए जिसमें आपके लैंड प्रोटेक्शंस हो, जॉब रिजर्वेशंस हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं 11 स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के नाम से आर्टिकल 370 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दी गई है। तो हमारी डिमांड्स यह है स्टेटहुड के साथ साथ लद्दाखियों को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आप 6 शेड्यूल के पैटर्न पे दे दें, आप 370 के पैटर्न पे दे दें, 371 के पैटर्न पे दे दें, लद्दाखियों को फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। चौथा जो मेजर इशू है लद्दाखियों के कंसर्न का, आप सभी जानते हैं पूरी लद्दाख के लिए एक पार्लियामेंट्री सीट है लोकसभा के लिए, और इसी एक सीट को लेकर लेह और करगिल के बीच में आए दिन हर 5 साल के बाद ही मुश्किलात खड़ी रहती हैं। इन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए और हजारों सालों से लद्दाख में मौजूद दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भाईचारा है, इस भाईचारे को मजबूत रखने के लिए अपेक्स बॉडी और KDA की जो जॉइंट
पूरी डेलीगेशन से उनकी कंसेंसस ये है कि लद्दाख को दो पार्लियामेंट्री सीट लोकसभा के और राज्यसभा के बराबर हिस्से दिए जाएं। ये चार मेजर इश्यूज हैं जिस पे एपेक्स बॉडी ले और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कंसेंसस हुआ है, और इन्हीं इश्यूज को लेकर होम मिनिस्ट्री के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ भी हमें नेगोशिएट करना पड़े, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फोर्सफुली इन डिमांड्स को उठा लेंगे। और इन डिमांड्स के जब तक पूरा नहीं होता है, पूरी लद्दाख इस डिमांड्स के पीछे खड़ी होगी और रेजिस्ट करेगी। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमर सर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ। जैसे आप सभी जानते हैं कि करगिल और ले में एजेंडेस पे जो है डिफरेंस था, करगिल यूटी के खिलाफ था, स्टेट के डिवीज़न के खिलाफ था, ले जो है यूटी के हक में थे। अल्टीमेटली जो है यूटी का ऐलान हुआ। यूटी क्या लेके आया हमसे ज़्यादा आप लोगों ने उसका टेस्ट किया, तजुर्बा किया, दो साल के अंदर क्या हासिल हुआ, क्या हासिल रहा, उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। अल्टीमेटली जो है हम लोग जो है यानी रेस्टोरेशन दो पॉइंट पे हम लोग पूरी तरीके से करगिल के जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बना, और काफ़ी डिलिब्रेशन डिस्कशन एक्सचेंज ऑफ व्यूज के बाद जो है एक तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और उसमें दो पॉइंट जो है एजेंडे पे हम लोग का यानी इत्तेफाक राय हो गया, बाहर पब्लिक में लाने के लिए और इसके लिए स्ट्रगल करने की। एक जो है रेस्टोरेशन 370 रेस्टोरेशन की बात आई और 35 की रेस्टोरेशन की बात आई, उसके बाद जो है फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख रीजन, फुल स्टेटहुड। तो उसमें आप यहाँ से एपेक्स बॉडी भी तशरीफ लाए करगिल के अंदर जो है वहाँ से इनसे भी बातचीत हुई, उस वक्त भी खुला हमने डिस्कशन किया था, और उसके बाद इनकी दावत पे जो है एपेक्स बॉडी की दावत पे हम कल यहाँ पे आए। तो आज दिन भर जो है पूरी तरीके से हर एक साइड को सुना, हर एक ने बात रखी, अपनी बात जो है खुला जो है हर एक को खुली जहन से, खुली दिमाग से जो है, और पूरा तमाम जितने भी मेम्बरान हैं उन सब को जो है अपनी बात रखने का यहाँ मौका फराहम किया, और हर एक ने अपनी बात रखी। अल्टीमेटली जो है हम लोग एक बात पे जो है इतफाक हो गया, एक ये जो 35 है और 370 है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सब जुडिस है, तो उसमें डिसीजन कब आएगा। लेकिन ये भी इतफाक राय हो गया कि जब भी डिसीजन आएगा वो सब पे लागू होगा, ले भी लागू होगा, जम्मू पे भी लागू होगा, कश्मीर पे भी लागू होगा, ये इस पर भी कंसेंसस हो गया। मीनवाइल जो है इस बात पे भी इतफाक राय हो गया कि मीनवाइल हमको बाकी मसलन अभी विथ लेजिस्लेचर यूटी या कोई और बात है उन सब को छोड़ के जो है हम फुल स्टेट के लिए मिल के जो है आगे बात रखेंगे, और आगे अगर हमें एजिटेशन चलाने की ज़रूरत है एजिटेशन चलाएंगे, और बात करने की ज़रूरत हो बात करेंगे, मतलब जिस किस्म की भी मुहिम की ज़रूरत होगा वो मुहिम चलाएंगे। और क्यों जो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्योंकि अभी आज हमारे जो है बीजेपी के गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी है आपके ले में और सेंट्रेट के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट, उनका कहना है, उनका फुरमाना है, उनका हमेशा जो है ये एक किस्म का जो है मतलब यानी जिसको हम कह सकते हैं तशहीर कर रहे हैं कि जो भी लद्दाख के लोग मांग करेंगे डिमांड करेंगे कुछ भी हो हम लद्दाख के लोगों की मांग जो है डिमांड जो है वो पूरा करने के लिए तैयार है। इसलिए हम बाकी सब को छोड़ के जो है हम फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, कुछ उन भी पूरे में थे कि वो जो वादा कर रहे हैं या जो कह रहे हैं उस पर उतरेगा, उसी के लिए हम लोग इतफाक हो गया है। बस मैं ज़्यादा और बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ आपके क्वेश्चन और आपके करबला साहब ने हमारे के करीब
एपेक्स बॉडी है तीवर पे हम लगे वो ना था सिक्स शेड्यूल देता होते ना तेती ना था यूटी विद्लेजी देता तार स्ट्रेट फुट से इन्हें ता यू मैं ता मीमास नाम पार लंग मिंडे सोंदर वहाँ पे मीमास ना यान तीवर लांसेस में नॉलेज एपेक्स बॉडी में निगुरेन सोंदर पेंट तो वो अजय डिस्कशन छा सकते हैं अजय दून लाइव पिंटेस पे रहा होले ये जरा जिक्स जाता है गोमांग आता सिक्स शेड्यूल को नोचिक पॉमन में पिंग आता तेल तीन आता यूटी विद लेजिस्लेशन सरकार ले तो सिक्स शेड्यूल ऐसे काम खतो आजाक से नोता इम्पावर मांग आ चुके संगत आस पे रहता हूँ स्टेरो दिलिंग आता फुल स्टेट हुत जरा ते सांग मांग इम्पावर चुके से पे रहता हूँ स्टेरो ना ते वो हाउ गुआ भी रख ले लड़ाक से मीमांग स्टाते ना चिया आता नाम स्टोक्स के चिया जुना ना ता दिलिंग सिक्स शेड्यूल जर वो से दोंबा चिया सुंग आता यूटी विद लेजिस्लेशन जर वो से दोंबा चिया सुंग ते सांग मां जुक त्यांग कल तक ना ता पूरा दक्षिण ना ता यूटी सेटअप दूध गुड़ थे ना ता कैप्टन सॉन्ग थे लो नीच है कि नोकले दिन सुबह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तारों सुबह ना ता कजुक्सिया लास्ट शो शिम्पे ना मचो है नोकले ते वा थोंग थे दिन मजबूर सॉन्ग थे लोग ना ताले मजबूर सॉन्ग थे लद्दाख यूटी चिके फंटोक पिया लड़ा यूटी ना दुकाने मिमांग संग में फंटोक से पिया ना ता मीची तंग नी से फंटोक मान रही ना सीधे थोड़े फंटोक मत कर जाती फंटोक मत कर ले लद्दाख से यूटी फंटोक से पिएगा ना ता फुल स्टेट हुए ना ता डिमांड चोस तेनो का ओ थोप ना तेने ना ता यंग समझी ना ता थे सुम यो पिले ते संग मा ना ता सेल्चे सिनो ते संग मा मित कर चेचे सिनो न्यंपो न्यंपो तेने ना ता कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड न्यंपो वो सिंजर नो फुल स्टेट हुए थोप ना ता वो सिंजर तेरो चेचे जो ना ते ओ मा थोप ना फुल स्टेट हुए थोप ना तेने ना ता सक्या दे थोप ना ता चिया थे सुम यो कर ले तेने सो ना ता जॉब रिजर्वेशन नो थोप ने थे सुम यो कर ले कल्चर स्कॉट इगे ते गुण सुन के बतोने आता थे सम यो कर ले ते फिर आता कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और सिक्स शेड्यूल है तार से गथो पोसिन जते डिमांड चोस पसन नता डिमांड मा चोचेस माने न्यू अमित कर ले सो पसन ते ना ये ना रेवर की लदक से मिमांग से राजा थे सम मियो बल्कि नता री वो पूरा चोस को जादिन सम से गजरे वो इंच एपेक्स बॉडी प्लस केडी यार इससे पहले आप जब एमएचए से आप लोगों का वर्क क्लब हो गया दिल्ली में तो ए से एपेक्स बॉडी गया और ए से केडी गया तो अगला जो है ऐतिहासिक जो आज फैसला हो गया अगला जो आप सेंटर से बात होगा किस नाम से होगा प्लीज ये ज्वाइंट कमेटी हमारी नहीं है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमएचए के ही रिकमेंडेशंस हैं कि एपेक्स बॉडी एज वेल एज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी आज के बाद जो भी बात होगी ये ज्वाइंट कमेटी बात करेगी और इसी ज्वाइंट कमेटी को ही लेके आपके एमएचए हो या पीएमओ ऑफिस हो किसी से भी बात करनी हो ये ज्वाइंट कमेटी बात करेगी कितने मेंबर्स जाएंगे सर इसमें अब ये मेंबर्स अभी फाइनल डिसीजन नहीं है ये डिपेंड कर लेता है कि वो कितने मेंबर्स को अलाउ कर लेते हैं एमएचए जितने मेंबर्स को अलाउ कर लेते हैं हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम मेंबर्स को वहां पे जितने भी सेक्शंस ऑफ शेयर ऑफ सोसाइटी से उन सबको वहां पे रिप्रेजेंटेशंस मिले लेकिन फाइनल जो डिसीजन लेना है वो एमएचए को लेना मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जब ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मरकजी सरकार का बातचीत हुआ तो उसमें उन्होंने होम मिनिस्ट्री के तरफ से ये फैसला हुआ कि फर्दर डिस्कशन के लिए एक ज्वाइंट एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि होम मिनिस्ट्री की कमेटी होगी उसमें उन्होंने ये कहा था कि एपेक्स बॉडी की तरफ से दो नॉमिनेशन होंगे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से दो नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले और करगिल के जो चेयरमैन है सीईसी वो एक्स ऑफिशियो वो मेंबर होंगे तो उस पर हम लोगों को एतराज इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं इस तरह की बातचीत में जितना भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी शामिल हो इस वजह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो अभी मीटिंग की है उन्होंने चार नामों का सुझाव रखा है हम भी चार या पांच नाम सुझाव रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है होम मिनिस्ट्री इसको करेंगे और जो मीटिंग में जाएंगे वो ज्वाइंट डेलीगेशन होगा एपेक्स बॉडी के नाम से जाएगा केडी है जो केडी के नाम से जाएगा लेकिन ये ज्वाइंट कमेटी के मेंबर के साथ से जाएगा क्योंकि आने वाले वक्त में आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए स्ट्रगल करने जा रहे हैं चाहे हम स्टेटहुड की बात करें सिक्स शेड्यूल की बात करें बाकी जो दो आपने पॉइंट्स बताया तो उसको स्ट्रगल आप किस तरह से करने जा रहे हैं क्या जॉइंटली आप स्ट्रगल कंटिन्यू रखेगा बिल्कुल जॉइंटली करेंगे ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आज की मीटिंग ही इसकी शुरुआत है आज 1 अगस्त 2011 आज शुरुआत है इसके 2021 इसके बाद जितने भी इश्यूज हैं जो अभी मेन हमारे इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए चार इश्यूज हैं उसके अलावा भी
लद्दाख से रिलेटेड कोई भी इश्यूज उठे तो यही ज्वाइंट कमेटी इन इश्यूज को हाईलाइट करेगी। प्रोटेस्ट करना पड़े, धरना देना पड़े, शटडाउन करना पड़े, पूरे रोड पे आना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ज्वाइंट कमेटी कर लेगी। सर, क्या आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स को बाहर रख के, जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं कि लद्दाख के लिए स्ट्रगल करेंगे, तो पॉलिटिक्स को बाहर रख के लद्दाख के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल जारी रहेगा? डियर, आपको गलतफहमी यह है, ये खुद ही पॉलिटिक्स है ये जो हम डिमांड्स कर रहे हैं। नहीं प्लीज, अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये पॉलिटिक्स हटा के जो आप बातें कर रहे हो ना, आपका लद्दाख के लिए स्टेटहुड ये पॉलिटिकल इशू है, आपके लोकसभा के लिए सीट ये पॉलिटिकल इशू है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स ये पॉलिटिकल इशू है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ये पॉलिटिकल इशूज है। तो पॉलिटिक्स को आप हटा नहीं सकते हैं। हाँ, आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लद्दाख के लिए आपको उठाना है, इसीलिए ये सारा जितने भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशियो, स्टूडेंट यूनियंस के जितने भी आपको यहाँ पे एक गैलेक्सी दिखाई दे रहा, इन सभी उससे ऊपर उठ के लद्दाख के वेलबींग के लिए, लद्दाख के वेलफेयर के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए उठी है। सर, एक चीज और, आज का जो आपका जितना भी मीटिंग में जो बात चला, खासकर जो पार्टीज जो है, जो रोलिंग पार्टीज जो है, अभी ये स्टेज जो है ऐतिहासिक स्टेज है, तो इसमें हमें कहीं रोलिंग पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखाई नहीं दे रहा, चाहे ले से हो चाहे कारगिल से हो, तो इसके पीछे क्या वो है, थोड़ा आप बताएंगे? मैं इसमें खुलासा करना चाहूंगा। इसमें अभी आखिर तक भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो शामिल थे, उनको कुछ और कहीं जाना था, वो चले गए। उसके पहले चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब वो भी खुद थे और उन्होंने इस मीटिंग को खिताब भी किया, क्योंकि 12 बजे उनका कोई और मीटिंग फिक्स हुआ था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज़ का वो मामला, उसके लिए मीटिंग बुलाई थी उन्होंने, तो उनके लिए जाना पड़ा। जब कंक्लूड हुआ उस समय वो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो आश्वासन दे के गए कि जो भी फैसला होगा हम इनके साथ हैं। मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसमें शामिल होना था, इसी वजह से हमने सैटरडे को रखा, लेकिन उनका प्रायर कमिटमेंट होने की वजह से वो नहीं पाए, उनकी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिला। तो अब जो ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, सबका आइडियोलॉजी अपने अपने बाब है, लेकिन जो KDA के मेंबर है या एपेक्स बॉडी के मेंबर है, लद्दाख के मुफाद में, लद्दाख के कॉमन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडा को एक तरफ रखते हुए इन इश्यूज़ के सहमत में सब ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को रख के JDA की तरफ से और अपेक्स बॉडी की तरफ से सरकार के साथ जिद्दोजहद करने का फैसला किया है। तो इसमें इश्यू तो पॉलिटिकल है, लेकिन अपने पॉलिटिकल हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे एजेंडा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट ना करता हो, लॉन्ग ना करता हो, लेकिन चूंकि ये कंसेंसस से हुआ तो सब एक्सेप्ट करते हैं इसको। कारगिल और लद्दाख कभी भी एक एजेंडा पे एग्री नहीं कर रहे थे, इस बार जो आप शुरुआत है, आप ये मान के चले कि एक तारीखी कदम है कि पहली बार इतने डिफरेंसेस के बावजूद, इतने फासले के बावजूद, पूरी लद्दाख के, चाहे आप करगिल के ले लें, चाहे आप लेह के ले लें, सारी लीडरशिप आज इकट्ठी हो गई और कंसेंसस से ये जो चार एजेंडा है जिसमें आपके जो दो पॉइंट्स है इसी में एड्रेस किया गया है, तो ये रोड मैप आज 1 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई है। तो बहुत खूबसूरत, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें जो ये ज्वाइंट कमेटी बनेगी, एक खूबसूरत रोड मैप लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट्स के लिए बना के लेके चलेगी। और हम सभी लद्दाखी वासियों से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि पूरी तरह से भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें अपनी इस ज्वाइंट कमेटी पे, आपको कभी भी ये कमेटी लेट डाउन नहीं करेगी। देखिए, खुलासा हुआ है जो 4-5 इश्यू पे कंसेंसस हुआ है उसको लेके हम लोगों ने जिद्दोजहद करना है, तो उसमें से ये भी डिस्कस हुआ हमें, स्टेटहुड का जो मामला है वो लॉन्ग रन हो सकता है,
क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं होता कई दौर की बातचीत चल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट का मसला है अनएम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उसको मद्देनजर रखते हुए सेकंड जो हमने मुद्दा रखा है इसमें, उसमें यह रखा है कि डोमिसाइल लॉ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एक महीने के अंदर, इसीलिए हम जोर दे के कह रहे हैं एक महीने के अंदर आप पीआरसी को रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो या जो भी ऐसा कानून डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई कैंडिडेट जो है वो अपना लद्दाखी रेजिडेंट होने का प्रूफ दे सके तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहते हैं, तो वो तो हम इसीलिए अर्जेंसी कर रहे हैं, वो एक महीने के अंदर ना हो तो हम जिद्दोजहद करेंगे। तो ये इसीलिए रखा गया है कि जो डिमांड लंबे अरसे तक भी हमें इसके लिए जिद्दोजहद करना पड़े हम उसके लिए भी तैयार होंगे, लेकिन जो इमीडिएट जो हमारे लिए प्रायोरिटी जो है जो गवर्नमेंट कर सकती है आसानी के साथ उसके लिए तो हम बहुत जल्दी करने के लिए हम इस पर जोर लगाएंगे। इसमें यह भी है मतलब यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल या आपके नज़रियात या आपके डिमांड वगैरह में जो है डिफरेंस था, अब ये सब एक प्लेटफार्म पे आके जो है हमने सिर्फ एक डिमांड बाकी तो उसके साथ साथ आ जाएगा, एक डिमांड के पे जो है हम सब इतफाक़ हो गया, इसीलिए हो गया कि खत्ते लद्दाख जो है एक डिमांड पे अगर इकट्ठे होकर जो है सेंटर से मांग करेंगे, क्योंकि सेंटर बार बार कह रहा है कि लद्दाखी जो पहले मैंने अर्ज किया लद्दाखी जो भी डिमांड करेंगे हम फुलफिल करेंगे, क्योंकि आज तक हम एक डिमांड पे पूरे जब इतफाक नहीं था एहतियात नहीं था, आज हम एक डिमांड पे जो है एक मुतालबे पे सब एक हो गया, एक होकर एक आवाज़ होगा, यहाँ पे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या आपके जो है अपेक्स बॉडी हो, एक आवाज़ दे देंगे फुल फ्लेज स्टेट हुड की जो है, तो इसलिए हमारी बात पे वजन भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर जो है यहाँ पे जल्द अज जल्द कोई डिसीजन भी आ जाएगा, ये हमारा हम पूरी उम्मीद रखते हैं। सर मेरा सवाल है केडीएस, प्लीज अब आपके जो तीन सवाल हो। हाँ तो देखिए अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है करगिल में बीजेपी जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी है वो काफी शामिल नहीं हुआ केडीए में और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी भी शामिल नहीं हुआ, इस पर आपको क्या कहना है? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ, चाहे करगिल के बीजेपी हों चाहे हमारे करगिल के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भाई हों, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार इन्हें इन्विटेशंस दी गई है, तीन बार इन्हें बुलाया गया है, इसके बाद भी ये अपने रिजर्वेशंस इन्होंने शो कर लिया है। अब आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई लैप्स नहीं रहा, कमी नहीं रही है, इसीलिए हमने डे फर्स्ट से कोशिश की है कि एवरी शेड ऑफ कम्युनिटी को साथ लेके चले, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें जो भी डिसीजन ली जाएगी जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारे कम्युनिटीज के लिए लद्दाख के सारे वासियों के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं ये निकल जाती है, क्या उम्मीद लोग लगा सकते हैं कि लद्दाख की ही बात हो और लद्दाख पूरा उठ के यूनिटी के साथ इस पे काम करेगी, क्या ये भरोसा आप लोगों को दिला सकते हैं? ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा लद्दाख है, राइट फ्रॉम जोजिला अप टू छुशुल, आपका तुर्तुकथांग से लेकर यहाँ तक। करगिल के जो बुद्धिस्ट है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि जो लेके एपेक्स बॉडी का एजेंडा है वो हमारा एजेंडा है, तो जब लेके एपेक्स बॉडी ऑलरेडी इसमें शामिल है उनका एजेंडा भी है, तो मेरे ख्याल में हम सब कोई नहीं। चलिए आप सब उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।